भाई पहले झपकते पहुंच गए हम कहा मारो वृंदावन छोड़ दे देखो नहीं पर अधिक है यहाँ पर घाट है भैया यू हम कर चुके हैं प्रवेश और आप क्या लोग भाई लाइट बैठ चलते हैं और नई वीडियो के संग नई शुरुआत अगेन और हम लोग जा रहे हैं आज का भाई सेट बैठ होगा अपना शॉर्ट कैसे लग रहा है भाई बताना चश्मा कैसे लग रहा है भाई बताना यूँ यहाँ अपना चश्मा पहनते रहे आँख हमारी हो चुकी है पहले से ठीक देख सकते हो लोग पता नहीं पड़ रहा होगा तो हम जा रहे हैं कहाँ ट्रिप पे भाई इस पर सरप्राइज ट्रिप भाई पिछले व्लॉग कैसा लगा गाड़ी के अंडर बॉडी कैसी लगी बताना कमेंट सेक्शन में और जल्दी एक सरप्राइज आने वाला है आप लोगों के लिए तो ब्लॉक क्लास में देखा हो अपना देखा होगा हम लैपटॉप लेने गए थे तो सरप्राइज आएगा देखना आप सिस्टम ऐसा बैग पैक कर लिया हमने मैं मेरी दोनों बहनें और सानू भाई जा रहे हैं कहाँ घूमने भाई मन कर गया गाड़ी उठाएंगे सुबह सीन बना था और सुबह से 10 बज गए 10 बजे निकल रहे हैं 8 बजे सीन बना था तो अब निकल रहे हैं यहाँ से गला ख़राब है थोड़ा सा कोल्डिंग वोल्डिंग पी लेंगे कोई दिक्कत नहीं ठीक हो जाएगा नीली वाली स्टिंग आ चुकी है बताना कमेंट सेक्शन में कैसे अच्छी लगी थम्स अप देना मेरे को अगर नीली वाली स्टिंग अच्छी लगी तो भाई तो भाई को तो बहुत पसंद लगी तो भाई ऐसा ही है अपना ये आज का आउटफिट बताना कैसा लग रहा हूँ मैं सेक्सी लग रहा हूँ नहीं लग रहा यूँ ही है अपना तो सिस्टम है तो भाई चलते हैं हम कहाँ अभी बताएंगे थोड़ी देर में भागे बिहारी लाल की जय तो इससे आधे लोग समझ गए होंगे कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं भाई मथुरा वृंदावन गोवर्धन दर्शन करने आज राधाष्टमी भी है और देखो कितना अच्छा दिन मिला हमें जाने का थोड़ी सी भीड़ मिलेगी ये हमें सुबह पता चला क्योंकि पापा कह रहे हैं राधाष्टमी है और तुम जा रहे हो आज तो मैंने कोई बात नहीं भगवान जी हमें आज बुला रही हैं राधा रानी तो हम आज जाएंगे तो यू ही है अपना सानू भाई हमें दोनों बहने आ चुकी हैं सो के उठ के ये तो इन्हें जबरदस्ती ले आना पड़ रहा हूँ इन्हें कैसे ऐसे लग रहा हूँ जबरदस्ती जा रहे हैं यू ही है सिस्टम अपना तो भाई फैमिली को भी टाइम देना चाहिए सही कहते हैं ऐसा यू ही है पैसा 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 दिखा भाई पैसा दिखा पहले गाइस कमेंट सेक्शन में बताओ अब भाई पीछे भाई कितने पैर पैर पे चढ़ चुके हैं हम लोग और हम जा रहे हैं काम पहले वृंदावन की ओर और फिर गोवर्धन की परिक्रमा बहुत सारा सीन है बहुत सारे मंदिर घुमाएंगे हम आपको सारे आस पास के जितने मंदिर हैं तो बने रहो कहीं मत जाओ लाल कलर का बटन है उस पर घुटना मारो सिर मारो हाथ मारो पर उसे जाके दबा दो भाई जरूरी है क्योंकि ऐसे ऐसे नए नए ब्लॉग चाहिए तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा मेरी जान तो भाई चल रहे हैं दासना से चढ़े हैं हम लोग बता दे रहा हूँ मैं जो गाजियाबाद में रहते हैं लोग और दिल्ली का देखो अलग रूट दिखा रहा होगा गूगल पर आप लोग देख सकते हो पर मैं गाजियाबाद रहता हूँ तो दासना से हम चढ़े हैं पेरिफेरल पे फिर ये डायरेक्ट उठ जाएगा पलवल के पास यहाँ से 100 किलोमीटर के बाद मेरी सीएनजी है तो मैंने सीएनजी वाला रूट देखा है पेरिफेरल से डायरेक्ट उतरेगा और हमारे घर से बड़ा है बिल्कुल 178 वृंदावन जो दिखा रहा है गूगल पे और देखते कितना पड़ता है मैंने मीटर लगा दिया एकदम जीरो आपको एक एक चीज दिखाएंगे पूरी यूँ ही अपना इसलिए कह रहे हैं देखते रह करो और लाइक कर दो भाई जरूरी है भाई जिंदगी में घूमना घामना अपना चलता रहना चाहिए भाई फिटर लग जाएगा इसमें तो भाई फिटर लगा रहा है कार्डो जिंदगी में फिटर रह गए इसके बेचारे को गोरे होने की स्कीम बताओ कोई वो चाइना से वो प्रोडक्ट चल रहा है वो तो चाइना से प्रोडक्ट लाया जाए सानू भाई के लिए तो सीन ऐसा है पलवल के बाद मिलती है सीएनजी आरडी सीएनजी पंप है पूरा एक एक चीज़ दिखाएंगे आपको कहाँ पड़ेगा आप गूगल पे भी सर्च मार सकते हो तो पलवल से उतरते उल्टे हाथ पे फिर हाईवे आएगा ये पता नहीं कौन सा हाईवे आएगा पर जो गूगल दिखा रहा है हमें गूगल से जा रहे हैं हम लोग और आएगा तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहें कहीं मत जाएं और बहुत सस्ता टूर है पेरिफेरल का सबको बताइए तो इसलिए भाई पेरिफेरल से जा रहे हैं तो भैया कहीं भी रुकेंगे कहीं भी खाएंगे पिएंगे आपको दिखा देंगे कहीं इसलिए कहते हैं भाई जाके कर लो अगेन सब्सक्राइब मिलते हैं अभी कहीं भी ब्रेक लेंगे जब फिर आपको दिखा देंगे कहाँ पहुँचेंगे भाई पहले झपकते ही पहुँच गए हम कहाँ मारो वृंदावन मूर्ति देखो और भाई अपना पता ही ना पड़ी है सानू हाईवे से आए हम तुम्हारी कसम हम चले थे 11 बजे समथिंग 1 बज रहा है 2 घंटे मुश्किल से हुआ दिखे ऐसा लग रहा है तो गाड़ी मतलब और 100 लाए ज़्यादा नहीं लाए 120 भी नहीं चली आज गाड़ी
क्योंकि पेरिफेरल पे बम बहुत है और एरो लग रहा है मेरी गाड़ी में। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कहाँ पार्किंग होगी। थोड़ी सी भीड़ होगी आज क्योंकि राधा अष्टमी है, राधा जी ने हमें बुलाया राधा अष्टमी पे, तो इसलिए हमें आना पड़ा हुआ है। पहले बागी भारी क्योंकि 4:30 बजे बट खुलते हैं भाई, सबको बता दूं। अभी हमने थोड़ा सा पूछताछ करी और घर पे ही पूछी, घर वालों को ज़्यादा पता है क्योंकि आते रहते थे वो। तो मैं तो अब पहली बार अकेला आया हूँ, नहीं तो फैमिली के साथ आता था। गौ रक्षा करें, गौ सेवा करें। तो भाई हमारी वृंदावन में एंट्री हो चुकी है और अब पहले हम जा रहे हैं बागी भारी, वहाँ के दर्शन करेंगे, फिर 2-4 जगह आपको और घुमाएंगे। जहाँ रिकॉर्डिंग हो सकती है वहाँ हम करेंगे, नहीं हो सकती भाई उसके लिए सॉरी। देखते हैं पहले कहाँ कहाँ जाएंगे, अभी तो पहले बागी भाई के दर्शन करते हैं, बागी भाई चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। प्रसाद वगैरह लेंगे, चढ़ाएंगे अपना, गाड़ी वाड़ी देखते हैं कहाँ खड़ी होती है, कहाँ से पैदल चलना पड़ेगा, यूँ ही है अपना। तो मौसम वृंदावन आ चुके हैं, अब जा रहे हैं पहले कौन सा पार्क जा रहा है, 8 बजे कौन सा वन जा रहा है, सॉरी निधिवन, पहले निधिवन जा रहे हैं और फिर बंद है। सीन ऐसा है अभी कट है तो बंद, हम जल्दी आ गए हैं। तो अभी पहले निधिवन है, वहीं जाके बैठेंगे, 4 बजे बागी भाई जी की बट खोलेंगे, 3 बजे करीब 3 बज रहे हैं, 1 घंटा कोई दिक्कत नहीं है। इतने कुछ खा ले रहे हैं, भूख लग रही है, क्या मसाफ कर लें पहले बताइए। 2 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, 2 बजने वाले हैं, 2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। दुख है बहुत कि वहाँ की टिक्की भी बहुत हैवी है, गोलाप ही बढ़िया टिक्की की स्नैप देती है, सही बात है। इसको करते टेस्ट, फिर चलते हैं आई तरफ, पानी आ गया मुँह में तो देख के आ गए हम यमुना नदी पे, नदी पे जो यहाँ पे घाट है जो बालाजी मंदिर की, उसके कौन सा भवन है वो, निधिवन, निधिवन मैं तो बारह भूल जाता हूँ, निधिवन के पीछे है। धूप हो रही बहुत तगड़ी, कम से डाल के चलो अपना गैल तो जिंदगी कट जाएगी, नहीं तो बहुत गर्मी है भाई। देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं हम, ऐसी मेहनत कर दो सब्सक्राइब कर दो, बस छोटी सी मेहनत करनी है, इसी मेहनत के तो मत यार। तो अभी जा रहे हैं कोई सा मंदिर है आगे, उसके घूम के आते हैं फिर आपको दिखाते हैं। मैं तो कहूँ बाढ़ पार से आ जाए, सानू बाढ़ मौसम हो गया बढ़िया एकदम। अब 3 बजे 3:30 बज रहे हैं, अब खुल गए होंगे निधिवन, पहले निधिवन जाएंगे और फिर उसके बाद जाएंगे बागी बिहारी। अपने देखो भूत बनवा हरी जय, तो वहाँ दर्शन करेंगे पहले और फिर बागी बिहारी के दर्शन करेंगे। भीड़ बहुत होगी तो हो सकता है मैं शूट ना कर पाऊँ, उसका मैटर बैठ सकता है थोड़ा सा, तो हो जाता थोड़ा सा इधर उधर। अभी चाय वाय पिए अपनी, दर्शन पहले निधिवन चलते हैं, वहाँ दिखाएंगे भीड़ नहीं हुई तो, जहाँ भीड़ नहीं होगी वहाँ पूरा दिखाएंगे। पर मैं एंट्री मार ली हमने और भीड़ देख सकते हो, बट खुलते भीड़ कितनी हो जाती है। और धक्का मार ही चल सकते हैं और भाई ऐसा ही है, जाम बहुत है, दिल्ली का ट्रैफिक बहुत है। तो चल रहे हैं अंदर, अंदर दर्शन कराएंगे की जय। की जय। तो ये गेट नंबर 1 है, 2 से बाहर निकल जाते हैं। जय भैया, यू हम कर चुके हैं प्रवेश निजी वन में, और रात का अलग होता सीन क्योंकि भाई लाइट वाइट जलती रहे हैं और दिन का अलग है, देख सको भाई। तो अपना ऐसा है यहाँ के दर्शन, निजी भवन ऐसा बना रखा था भाई, यहाँ पे डांस करते थे कृष्ण जी, यहाँ पे कृष्ण जी डांस करते थे रात में 12 बजे डेली, और ऐसा भी माना जाता कोई ने देख लेता है हनुमान जी जाते हो भाई। Yeah.
यहाँ पे ये माना जाता है भाई रात में कोई ना मतलब डांस करते हुए देख लेता है और ये गोपियाँ बन जाती हैं, और अगर कोई देख लेता है उन्हें तो पत्थर की मूर्ति बन जाता है, ऐसे सब जगह लिखा गया है, देखा गया है, माना गया है। चुके हैं राधा रानी के यहाँ पे, यहाँ वन में यहाँ से निकल रहे हैं, शान भाई पीछे रह गए थे, सुनो भाई तो सबके दर्शन हो गए, भीड़ थोड़ी सी है भाई राधाष्टमी की वजह से भी, और वैसे तो भीड़ तो रहती है, तो बस बालकों का ध्यान रखें सब अपने अपने, क्योंकि भीड़ में दिक्कत हो जाती है। अब चल रहे हैं बाकी बिहारी दर्शन लेंगे, वहाँ और ज़्यादा भीड़ होगी बता हमें, हो सकता है वहाँ फ़ोन ना निकाल पाऊँ, और एक दो झलक आपको दिखा दूँगा, तो यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। बड़ी हो गई सानू भाई, ऐसे दर्शन करवाते हैं हम तो VIP स्टाफ VIP दर्शन। तो बारिश हो चुके हैं, मौसम सही हो गया अपना, आदि मोटे का फोन आ रहा, आदि मोटे कर रहे हैं, आदि मोटे क्यों कर रहा फोन, तो यहाँ से निकल रहे हैं। चलो कुंडी है, यहाँ से कुंडी दिख रहा होगा, आज ब्लॉग में कुंड होगा, तो भाई यहाँ से कुंड दिख रहा, तो डूब जाएगा और क्या, मैं अभी दूसरे ने गाली पकड़ा यहाँ तो खुद के संग जा रहा है। तो भाई सभी चल दिए हैं अब माँ के बिहारी की तरफ, और आपको मैंने बंद दिखा दिया अपने गैंग, चार जनों की गैंग है, तो अब चल रहे हैं कहाँ, बाकी बिहारी के दर्शन करने, देखते हैं दर्शन कैसे मिलते हैं, और टीका लगवा दिया हमने, नपन उपना बना कर, तो चल रहे हैं पहले देखें हैं क्या व्यवस्था है वहाँ तक की। बाकी बिहारी की अपनी लाइन लग रही है, तो डेढ़ घंटा तो हो गया हमें, और भैया सैटरडे संडे ना हो कृपा करके, और जो भी बूढ़े बच्चे हैं अपना कृपा ना होना, क्योंकि पूरे 100 सैटरडे संडे अवॉइड करें, पूरे 100-150 मीटर की पूरी ऐसी लाइन लगती है, और फिर मंदिर पे ऊपर बहुत बुरा हाल हो रहा होगा, जब यार बुरा हाल है सकल हो गई है बहुत बुरी, पीछे तक लाइन है भाई, पूरा पीछे तक लाइन है, इसलिए सैटरडे संडे अवॉइड करो भाई, और सोमवार से शुक्रवार आओ दर्शन करने अपने, और बड़े बूढ़ों को लाओ तो देख के लाओ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ बहुत बुरा हाल है होता है। दर्शन हमने कर लिए, इसके लिए मैंने आपको दिखा दिया। दर्शन वर्शन करके आए हैं, अपनी गाड़ी पा गए, बड़ी मुश्किल से मिली भाई गाड़ी 150 किलोमीटर आने के बाद, और जब गए यहाँ से 300 किलोमीटर गया है बस, अब जल्दी चलता हमें प्रेम मंदिर, नहीं तो 8 बजे का एंट्री बंद हो जाती है, बस भगवान बुला लें और जल्दी चलना, बाकी बहरी में बहुत टाइम लग गया क्योंकि बहुत वो थी, तो पी लो भाई सारे बैठे हैं वही रिक्शा में, सानू भाई का स्टाफ चला रही यहाँ पे भी नहीं चला स्टाफ, तो भाई यू ही है अपना, आगे 2 बैरिकेडिंग मिलते हैं भैया बता रहे हैं, वैसे ना पिछली बार आया तो वही बैरिकेडिंग के पास थे, पर इनने भी 20 रुपये सवारी ली है,
हम झंझट ना खत्म करके अपना, क्योंकि 8 बजे भाई वो बंद हो जाता है मंदिर 8:30 बजे, तो अपना उसके चक्कर में मैंने कि एंट्री बंद ना हो इसलिए हम चलते हैं टिहरी में, सही है ना अपना। प्रेम मंदिर में देखो भीड़, एंट्री हो गया बड़ी मुश्किल से और भीड़ भर कर भीड़ा बढ़ गया भाई, देखो तो प्यारा लग रहा है। एंटर होने के बाद देखते हैं आपको दिखा पाते हैं नहीं, भीड़ बहुत है पर तुम पीछे से रहो यार, तो बहुत भीड़ देखो भाई, सैटरडे संडे की भीड़ है और आधा अष्टमी की। फाइनली एंट्री हो चुकी है और देखो अपना चलो भाई चलो देखो जो कितनी उम्र है, ये रुक जाओ ये रुक जाओ भाई, किसी को घूम रहे साफ पे और पे मन भीड़ देखो भीड़ है और सुकून भाई सुकून है सुकून है जिंदगी में, बड़ी मुश्किल से आ गए हैं देखो तो मैच ही दिखाता हूँ। लो भाई लाइटिंग लाइटिंग देखो बस लाइटिंग चेक मंदिर देखो कितना प्यारा लग रहा है डिटेल आगे में, तो थोड़ा सा फोटो वगैरह हम खिंचवाते हैं, पसंद बनो कर लो आगे फॉलो और कर लो सब्सक्राइब, जय राधा रानी की। श्री किशन गुप्ता जो कानपुर से आए हैं मंजू गुप्ता से मेन गेट निकाल द्वार पर मिले, तो अपना ये दिन की बैठक क्या चलता है वो कितने बजे चलेगा बंद हो गया क्या टाइम चलता होगा ना वाटर शो वाटर शो हो गया स्टार्ट, भैया बैठ जाओ आज पूरा लंबा ब्लॉग होगा पर आपको ऐसा मिल जाए एकदम तसल्ली से, भैया आगे वाले जो है खड़ा होना साइड हो जाना यहाँ पीछे ही बैठे हैं लोग, आप ऐसा फोटो से चला या सख्त दाम पे चलता है पर वहाँ अलाउड नहीं वीडियो बनाना, बहुत सारा आ रही है बहुत प्यारी प्यारी फिल्म एंडली चलता रहेगा ये ऐसे ही, देखने लायक कैमरा अलाउड नहीं है पर देखते हैं एक आध वो तो दिखाई देंगे आपको, बड़ा प्यारा लग रहा है भाई भाई अपना मंदिर में घुस चुके हैं बहुत ही प्यारा भाई, देखो कितना प्यारा दरबार है देखो भाई बहुत प्यारा, तो भाई ऊपर आ चुके हैं हम प्रेम मंदिर में,
हर चीज है यार, जुमा कर लगाएंगे, गर्मी बहुत है। तो सुपर खा देखो ये अभी हुआ, यहाँ पर पहले नहीं था कुछ भी, पूरा मुंह बन आगे तक मुंह साइड में आ जाओ, धक्का मारेंगे। ये पूरा एनिमेटेड है देखो, यहाँ तो गोपियाँ, ये सब एनिमेटेड है भाई, मूर्तियाँ हैं भाई, महाराज जी के पीछे। तो भाई हम कृष्ण जी का जाओ, पापा उन्हें लेके आए थे बारिश में, अपने ऊपर से ऊपर रखे, पूरा बना रखा है किस तरीके से, और सब अपना सिस्टम पूरा बारिश पानी का एकदम ऐसा लग रहा है, इसलिए हो यहाँ पे वो भी बारिश आवाज साउंड पूरा एनिमेटेड रखा है अंदर जेल वेल खुलना, बहुत अच्छा है, आओ देख के जाओ भाई, थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा है तो आप लोगों को फोकस ज़्यादा नहीं दिखा पा रहा मैं, ब्लर हो गया, बच्चा रो रहा है वो देखो तुम, आवाज बारिश हो रही है। तो भाई साहब पूरा बहुत अच्छे से बना हुआ है, भाई मंदिर घूम के जाओ, बहुत बढ़िया जगह, हम यहाँ से लेंगे निकास, यहाँ से निकलेंगे हम दंगी परिक्रमा मारने आ गए। तो देखो शुरुआत हो चुकी है, बड़ी परिक्रमा मारेंगे, छोटी मारेंगे, ये पहले दर्शन ले लेते हैं फिर बताते हैं आपको, थोड़ी थोड़ी क्लिप दिखा देंगे, ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं ब्लॉग को, आप लोग बोर हो जाओ हम नहीं चाहते, पर हम दिखाना चाहेंगे हमारी मतलब बहुत मतलब ये समझ लो ज़रूरी है आपको ये ब्लॉग देखना, क्योंकि लास्ट में सारी डिटेल बताऊँगा मैं कि क्या क्या दिक्कतें आई। सैटरडे संडे में भीड़ होती है बहुत ज़्यादा, आपको मैंने दिखाई और मतलब रूम वूम, तो व्लॉग को लास्ट तक देखें, और हो सकता है थक के हम सो जाएं क्योंकि हम सोए नहीं है, रात के 12 एक बज रहे हैं, पर कम स्टार्ट कर दिया हमने अभी गोवर्धन महाराज की, पहले चरण स्पर्श करेंगे फिर वहाँ से शुरुआत करेंगे, फिर देखते हैं कितने किलोमीटर की, फिर आपको बताएंगे, हमें भी नहीं पता अभी। तो गोवर्धन महाराज हमारे, अरे कैमरा साफ कर लेते हैं मेरा। तो भाई ये है हमारे गोवर्धन महाराज, यहाँ दर्शन देखो, मत्था देखो, और फिर यहाँ से बड़ी परिक्रमा शुरू होती है, इसके बराबर में चली जा रही है, दिख रहा है 11 किलोमीटर की है, दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ से सब भैया कोई ढोकवाड़ी करता है कोई ऐसा, तो हम पैदल करेंगे, तो ये बड़ी परिक्रमा शुरुआत करते हैं, चलिए बीच में मिलेंगे फिर मिलेंगे एंड में। तो भाई 6.5 किलोमीटर कर लिए हमने ऐसे 2.5 घंटे में, करीब 1:45 चले थे, 3:35 हो रहे हैं, और ऐसी अब अच्छी होगी तुम्हारी 6.5-7 आधे आधे ऐसी है, 15 किलोमीटर के करीब पड़ती है पूरी, और एक छोटी वाली भी है जो पीछे एक मंदिर आता है वहाँ से लोग वापसी हो जाते हैं, लेकिन हमें छोटे काम पसंद नहीं है इसलिए हम बड़े काम करने जा रहे हैं। माउंटेन ड्यू दरगाह की जीत है, भगवान हमें शक्ति देता रहता है, केदारनाथ वगैरह खाटू श्याम बाबा अपने मतलब गोवर्धन बाबा सब चीज़ हम बुलाते रहते हैं, हमें शक्ति देता रहता, थकते नहीं हम, रेगुलर चलते हैं। हमने केदारनाथ भी जल्दी कम्प्लीट कर लिया था, आपको दिखाया था, इस पर लोग कह रहे थे 6-7 घंटे लगेंगे, देखते हैं अब कितना टाइम लगता है, यहाँ से 5 किलोमीटर दिखा रहा है 6.5-7 तो भाई केदारनाथ बहुत जल्दी करा था ना, आप लोग ब्लॉग देख सकते हो, तो अभी चल रहे हैं, और पब्लिक भाई देखो पूरी चल रही है, और क्या था तो भाई आई की लिंक आ रही होगी, केदारनाथ वाला ब्लॉग देखना था आप लोगों को, देख सकते हो जाके कितनी देर में हमने चढ़ाई कर ली थी, तो बना चल रहे हैं भाई यहाँ पर, सही यहाँ पड़ा, तो यहाँ पर पानी वानी की व्यवस्था भी है बीच में भाई, किसी को प्यास लगे अपने छाप जाने चल रहे हैं, बिलंगे पैर वालों के लिए व्यवस्था वहाँ है, अपना वो मिट्टी का रास्ता है पूरा, अपना सड़क का है, जो भी आता खा जा नहीं आता, ये हमारी बहन का कहना है भाई। तो भाई हम तो चप्पल पहन रखी है हमने, और क्यों, मेरे को सुबह गाड़ी चलानी है तो छाले पड़ जाते हैं नंगे पैर, देखो ये मेरा अब डंडी श्रद्धा होती है लोगों की, और दन 1 किलोमीटर आगो। 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 भाई टाइम दिखा दो जरा, ला फोन दिए, टाइमिंग हो रही है 4:29 2 बजे चले थे, 2 घंटे में पूरी होगी यार, आप तो मचा रखी है 7 बजे होगी, तुम्हारा भाई ने ऐसे खींच ला था भाई, देखो रूल है हर जगह के चढ़ाई का, हर जगह के परिक्रमा का, बड़े बूढ़ों को देखो समझ सकते हो ना ऐसे ही होता है, हम तो चलो जवान है पर ये है कि अपना रुकोगे तो पैर थकते हैं, तो इसलिए कोई फायदा नहीं होता भाई,
रात को आके हमने करा था रेस्ट और इसलिए हम कह रहा हूँ व्लॉग को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, तो एक ही व्लॉग बनाया मैंने, पर थोड़ा सा लंबा है, देखने जाके इंटरेस्टिंग व्लॉग है, कोई बोरियत नहीं आएगी आपको। तो गोवर्धन की परिक्रमा हमारी हमने पूरी, हमारी पाँच घंटे में पूरी हो गई थी और आगे रेस्ट करा हमने, सोए हैं अब सुबह हम उठ के बाइक छाला पड़ रहा है, पैर कट रहा है भाई, माशाल्लाह दिन आता है भाई, देखो गाइस तो भाई पड़ के छाले पैर में और साथ मिल गया बाबा का, वैसे क्या मैं तो भाई सीन ही हुआ, अब जा रहे हैं हम घर और घर जा करेंगे व्लॉग को एंड। तो पूरा व्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा लंबा कुछ इंटरेस्टिंग दिखा तो दिखा देंगे, नहीं तो ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, अगेन कह रहे हैं तो जाकर कर लो सब्सक्राइब, लाइक करो, कमेंट सेक्शन में बताना और बताना व्लॉग कैसे लग रहा है।